ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्यज्ञानञ्जनशलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरतविषये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसच विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे पंडित विद्यानिधि और गदाधर पंडित के विषय में उनकी महिमा। The landlord of Chakrashala village of Chhatagram was rich and pious. ये जो जमींदार थे चक्रशाला गांव के जो छठाग्राम में है वो बहुत अमीर थे और पुण्यशाली थे। His name was Pundrik Vidyanidhi, यानी उनका नाम था Pundrik Vidyanidhi and he was a Varendra Brahman, और वो वरेंद्र गोत्र के ब्राह्मण थे। He was merciful to the poor and fallen souls, यानी उनके हृदय में बहुत अधिक दया थी और जो पतित लोग थे उनके प्रति। He had a house in Navdeep, so spent much time there. उनका घर नवदीप में था और वहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने व्यतीत किया। Pundrik Vidyanidhi was a disciple of Madhavendrapuri. Pundrik Vidyanidhi जो थे वो Madhavendrapuri के शिष्य थे, जिनके शिष्य ईश्वरपुरी है और उनके शिष्य आगे हमारे महाप्रभु बने हैं। Externally he appeared to be a materialist, but internally he had unalloyed devotion for Lord Krishna and Lotus Feet. बाहरी दृष्टि से दिखता था कि ये भौतिकवादी है, लेकिन अंदर से इनके ये जो थे प्रभु के शुद्ध भक्त थे, कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति थी। Ordinary people could not recognize him as an exalted devotee. आम इंसान उन्हें ये नहीं पहचान सकी वो कितने श्रेष्ठ भक्त है। देखो जो असली होते हैं ना उनको पहचाना बहुत मुश्किल होता है, और जो नकली होता ना इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं वो कि असली भी आपको असली लगे नकली आपको असली दिखेंगे। और जो असली होते हैं उन्हें ज़्यादा अपने शरीर को सजाने का श्रृंगार करने का समय वो अपने नाम में रमन करते हैं, उस प्रेम में डूबते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी भौतिक शरीर शारीरिक क्रिया से या वस्त्र से या सजावट से, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जितना समय मैं बर्बाद करूंगा शरीर को या इसके सजावट के लिए उतने समय मेरा अपना हरिनाम ज़्यादा हो जाएगा, मैं हरिनाम से छोड़ना नहीं चाहता। यानी प्रभु के लिए उनको व्याकुलता होती, एक क्षण भी प्रभु का वियोग वो सह नहीं सकते, ये उनकी विशेषता होती है। इसलिए अभी आप देखोगे जनक जी है उनको भी विधेय कहा गया है राजा, लेकिन राजा होने के बावजूद उनको विधेय क्यों कहा गया है? शरीर से संसारिक क्रिया करते हैं, उनका मन हमेशा राम रमन कर रहा है, इसलिए वो विधेय। तो पुंडरीक विद्यानिधि भी दिखने में बहुत ज़्यादा भौतिकवादी है, लेकिन वो वास्तव में प्रभु के शुद्ध भक्त है, अंतरम भक्त है। क्योंकि प्रभु भक्त को इसलिए पैसे देते हैं अच्छे भक्तों को, क्योंकि पता है इसके माध्यम से वो शुभ कार्य करेंगे, वैष्णव सेवा भगवान की सेवा और अच्छे कार्यों में लगाएंगे, पैसों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और दुष्ट लोग के पास जो धन आता है वो उसका दुरुपयोग करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। He was married to a great devotee named Ratnavati, who was always engaged in worshipping Lord Krishna. उनका विवाह हुआ था एक बड़े भक्त से, उसका नाम था रत्नावती, वो और वो भगवान की कृष्ण में हमेशा सेवा में लगी रहती थी।
पंडित विद्यानिधि वॉज फॉर्मली वृष भानु अव्रज, यानी अपने पूर्व जन्म में ये वृष भानु है कृष्ण लीला में। जितने भगवान के संगी थे वही महाप्रभु के अवतार में उनके परिकर बन के आए हैं। तो पुंडिक वॉज फॉर्मली वृष भानु अव्रज एंड इज वाइफ रत्नावती वॉज फॉर्मली कीर्तिदा, और रत्नावती कौन थी, कीर्ता वृष भानु के पति कीर्तिदा, वही पुंडिक विद्यानिधि की पत्नी बन के आई। श्री चैतन्य महाप्रभु इंडियन पुंडिक विद्यानिधि बाई रेफरिंग टू हिम एज इज फादर, और चैतन्य महाप्रभु पुंडिक विद्यानिधि को पिता करके संबोधित करते थे। लॉर्ड चैतन्य अट्रैक्टिव पुंडिक विद्यानिधि सो दैट ही केम टू नवदीप एंड लिव देयर सीक्रेटली। तो महाप्रभु ने पुंडिक विद्यानिधि को आकर्षित किया अपनी ओर, वह नवदीप में आके रहे गुप्त रूप से। तो मतलब ये होता है कि प्रभु ही हमें धाम में लेके आते हैं, जीव अपने प्रयास और बल से नहीं जा सकता। प्रभु की जब अतिशय कृपा होती है तभी जीव को धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बिना कृपा के कोई नहीं जाता। कोई टिकट पैसे से जाए बल से, या टिकट आगे तो जाए, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन कृपा होती है, असंभव भी संभव होता है। हमने अपने जीवन में देखा है, जब हम ब्रजमंडल जा रहे थे दोपहर को 1 बजे टिकट जिससे जाना था वो नहीं जा रहा, और जो जिसको कुछ कल्पना भी नहीं की जाने की वो उसके टिकट पे चले जाता है। उसने कहो ये नहीं कि शाम को 5:30 की ट्रेन है, और वो दोपहर को 1:12 बोलता है मेरा जाना असंभव है, कोई विशेष समस्या आ गई है उसके जीवन में जो भी था। और जिसको नहीं जाना था, उसका जो सोचा भी था, उसको बोलते तेरे को जाने टिकट है, बोलता हाँ मैं चले जाता, वो चले जाता है। तो इसका मतलब कि केवल भगवत कृपा से ही जीव जा सकता है, आप अपने बल और प्रयास से नहीं। तो यहाँ पे अगर वो नवदीप आके रह रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि महाप्रभु ने ही उनको आकर्षित किया था, वो चाहते थे मेरे भक्त मेरे पास आके रहे और सेवा में बेसहयोग करे मेरी सेवा में। पुंडरीक हैड अ फ्रेंड नियर फ्रेंड नेम माधव मिश्रा हु लिव्ड इन बिलेरी विच इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छठाग्राम। तो पुंडरीक जी के एक मित्र थे, प्रिय मित्र, उनका नाम था माधव मिश्रा, और वो रहते थे कहाँ पे, बिलेटी में जो छठाग्राम में है। ही वॉज अ प्योर हार्टेड ब्राह्मण एंड अ लर्न स्कॉलर, वो शुद्ध हृदय के ब्राह्मण थे और विद्वान थे। एंड ही एंड पुंडिक विद्यानिधि वेंट टू स्कूल टूगेदर, वो और पुंडिक विद्यानिधि इकट्ठे ही पाठशाला में जाते थे। सम पीपल कॉल हिम माधव मिश्रा, कुछ लोग उन्हें माधव मिश्रा करके क्या बुलाते हैं, वेल अदर्स कॉल हिम माधव आचार्य, कोई उन्हें माधव आचार्य करके बुलाते हैं। माधव आचार्य इसलिए क्योंकि उनका आचरण बहुत अच्छा होगा और वो लोगों को भजन में लगाते होंगे, इसलिए उनका आचार्य नाम पड़ जाएगा। He also came to Navdeep to live and accept the initiation from Madhavendra Puri. वो भी नवदीप में रहने लगे और उन्होंने माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ग्रहण की। According to some people, कुछ लोगों के अनुसार श्री राधा's father वृषभानु had appeared as Madhav Mishra and her mother Kirtida as Madhav's wife, whose name was Ratnavati and was also a great devotee of Lord Krishna. कुछ लोगों के मत के अनुसार जो वृषभानु ही माधव मिश्रा बने हैं और जो कीर्तिदा है वो माधव की पत्नी है, उसका नाम रत्नावती है, कुछ लोग ऐसा मत है। बोट पुंडित विद्यानिधि एंड माधव मिश्रा वॉज स्टॉन डिवोटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। पुंडित विद्यानिधि और माधव मिश्रा जो हैं जो महाप्रभु के दृढ़ भक्त है, जो कभी विचित नहीं होने वाले। माधव मिश्रा वॉज प्लीज व्हेन हिज वाइफ बिकेम प्रेग्नेंट इन नवदीप, माधव मिश्रा बहुत प्रसन्न हुए जब उन्हें पता चला कि उनकी पति गर्भवती है। ऑन एन ऑस्पिशियस डे इन द मंथ ऑफ वैशाख, यानी वैशाख के महीने में शुभ दिन पे, रत्नावती गेव बर्थ टू अ ज्वेल लाइक सन होम दे नेम गदाधर। गदाधर वॉज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री राधा। तो उनके एक संतान हुई और उसका नाम पड़ गया गदाधर, और गदाधर जो हैं राधा रानी के ही अवतार हैं।
Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Krishna, and Gadadhar Pandit is another manifestation of Radha. Chaitanya Mahaprabhu कौन है? Radha Krishna के मिलित अवतार है, और Gadadhar Pandit के वो भी राधा रानी के ही एक उनका विस्तार है, उनका ही स्वरूप है, उनका विस्तार है. क्योंकि भक्त जो है, जैसे प्रभु एक ही समय पे अनेकों स्थान पे दिखाई दे सकती हैं, आपका विस्तार कर सकते हैं शरीर का, तो वही गुण भक्तों के अंदर भी होते हैं, वो भी आपके शरीर का कई बहुत ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं. आप देखोगे नारद जी दिखेंगे गोलोक में, नारद जी दिखेंगे अयोध्या में, नारद जी दिखेंगे वैकुंठ में, नारद जी दिखेंगे स्वर्ग लोक पे, और वह ब्रह्मलोक पे भी दिखाई देंगे. इसका मतलब क्या है? जैसे प्रभु सर्वज्ञ अपने शरीर का विस्तार करके एक ही समय पे बहुत से स्थानों में प्रकट होकर विभिन्न लीला कर सकते हैं, उनके जो निज जन भक्त होते हैं उनके अंदर भी वही गुण और क्षमता होती है जो जो उनके जो प्रभु के अंदर होती है. As children, Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandit study together. ये बाल्यावस्था में महाप्रभु और गदाधर पंडित जो हैं इकट्ठे पढ़ाई करते थे. Right from childhood, गदाधर पंडित became detached from family life. बचपन से ही गदाधर पंडित को अपने परिवार से वैराग्य उत्पन्न हो गया. अरे भजन का ही प्रभाव होता है, पहले के संस्कार होते हैं. जितना आप भजन में गहराई में उतरोगे, जितनी आपकी भगवान में प्रीति बढ़ेगी, उतनी मात्रा में आपकी संसार की आसक्ति और प्रीति घटेगी, और वही उतना ही वास्तव में एक्चुअल वैराग्य है. भगवान में प्रेम हुए बगैर आप संसार की आसक्ति को नहीं कर सकते. हम बोल सकते हैं कि आप आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कैसे है, ये आपके वश में नहीं है. लेकिन भगवान में प्रीति बढ़ने से ही तो संसार की आसक्ति घटती है, वही तो असल वैराग्य है. जितनी प्रीति बढ़ेगी उतना आसक्ति घटेगी, उतनी मात्रा में वैराग्य है आपके अंदर. मुकुंद दत्त एंड गदाधर पंडित वर क्लोज फ्रेंड्स. मुकुंद दत्त और गदाधर जो थे करीबी मित्र थे. वन डे मुकुंद दत्त टोल्ड गदाधर दैट अ ग्रेट वैष्णव हैड अराइव्ड इन नवदीप. एक दिन मुकुंद दत्त ने गदाधर जी से कहा कि एक महान वैष्णव आया है नवदीप के अंदर. इफ यू लाइक हिम यू विल प्लीज यू विल बी फील प्लीज आई हार्ट. अगर आप उनको देखोगे तो आपको हृदय में आनंद आएगा. मुकुंद दत्त टुक अब देन टू गदाधर पंडित टू पंडित विद्यानिधि हाउस. तो मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को लेके गए पंडित विद्यानिधि के घर में. When they offered the obeisance, Pandit Vidyanidhi asked Mukund who Gadadhar was. जब इन्होंने प्रणाम किया, Pandit Vidyanidhi पूछते मुकुंद से कि गदाधर कौन है. मुकुंद replied, you have come here after long time, so you will not recognize him. तो मुकुंद ने कहा, आप बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए आप इन्हें नहीं पहचान सकोगे. He is माधव मिश्रा सन गदाधर एंड ही इज रिनाउंड. ये माधव मिश्रा के पुत्र है और ये त्यागी है. आफ्टर सीइंग पंडित विद्यानिधि हाउएवर गदाधर पंडित डाउटेड हिज बिहेवियर. पंडित विद्यानिधि को देखने के बाद गदाधर पंडित को उनके व्यवहार में कुछ शंका ही. ही थॉट अ वैष्णव शुड अपीयर सिंपल एंड प्योर बट दिस पर्सन मेंटेन हिमसेल्फ लाइक अ प्रिंस. कहते वैष्णव तो सरल होते हैं, शुद्ध होते हैं, लेकिन ये तो एक राजा की तरह रह रहा है. मैंने कहा ना कि भक्त को हम नहीं पहचान सकते. बाहर की क्रिया देख के किसी को भी भक्त नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वेश के देख से इंसान ठगा जाता है. वेश कई बार ठगता भी है. मनुष्य का आचरण देखना चाहिए, उसकी वाणी क्या है, वो क्या बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या वो भजनानंदी है कि नहीं, ये सब आपको देखना चाहिए. अगर वो निरंतर भगवान के भजन में लगातार नामनिष्ठ होता है और भगवत की चर्चा के अलावा कोई संसारी चर्चा नहीं करता, वही वास्तव में, और जिसकी कोई आसक्ता नहीं, वही वास्तव में एक्चुअल संत होता है. क्योंकि देखो संसार में ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं,
कर्मी मिल सकते हैं, योगी मिल सकते हैं, लेकिन भक्त मिलना बहुत कठिन है। ज्ञानी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, कर्मियों को अपने कर्म कांड का अभिमान होता है, और योगियों को अपने योग बल का भी अभिमान होता है। एक भक्ति होते हैं जो प्रभु के आश्रित रहते हैं, जो अपने आप को निर्बल मानते हैं, क्योंकि मेरे बल तो केवल मेरे राम है और कोई नहीं है, तो अधिक आश्रित अपने आप को मानते हैं और वह प्रभु पर निर्भर होकर निरंतर उनके नाम का जप करते हैं। तो ये लक्षण है कि वह भक्त है कि नहीं है। तो ये लक्षण है कि वह भक्त है कि नहीं, जो प्रभु पर कितनी मात्रा में निर्भर है। वो तो इन्होंने उनके बहिरंग वेश को देखे, इन्हें शंका हुई। I came here hoping to see an advanced Vaishnav. What kind of Vaishnav is this? मैंने तो आके सोचा था कि मैं एक उच्च कोटि के वैष्णव के दर्शन करूंगा, लेकिन ये कैसे वैष्णव है जो भोगों के बीच रह गए? क्यों, प्रहलाद भी तो भोगों के बीच रहते, राजा थे, लेकिन उनमें किधर आ सकती थी? 2400 घंटे भगवान के स्मरण में लगे रहते थे। राजा अम्बरीश पूरे पृथ्वी के शासक थे, लेकिन भोगों के बीच में रह के भी भगवान की सारी सेवा अपने हाथ से करते, पूजा करना, सफाई करना, बर्तन धोना, माला फेरना, सब अपने हाथ से करते। कभी सेवक चुनी का राजा होने के बावजूद ध्रुवी भक्त थे, वो भी राजा थे, उन्होंने भी भजन में के लगाया अपने आप को। युधिष्ठर भी जो थे राजा थे, लेकिन वो भी परम भक्त थे। तो कहने का अभिप्राय है ये आप कभी नहीं सोच सकते क्योंकि कोई पैसे वाला है तो वो भक्त नहीं होएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि राजा अम्बरीश ने सब कुछ प्रभु के सेवा में अर्पण किया, वही प्रहलाद भी करते, ध्रुव भी करते, युधिष्ठिर भी करते हैं। यानी धन का दुरुपयोग नहीं करना, आपकी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग नहीं करना, उसका अगर प्रयोग करना है तो भगवान या उनके वैष्णवों की सेवा के लिए करना है, अन्यथा नहीं करना है। और उस पर वो सफल भी थे। वो ये मत सोचो कि जो भिक्षा मांगते हैं जो गरीब वही भक्त होते हैं, वो भी भक्त होते हैं, ये नहीं कहने, लेकिन जो पैसा वो भक्ति होते हैं, ये धारणा गलत है। क्योंकि प्रभु किसके शरीर से क्या काम लेना चाहते हैं हम नहीं जानते। हमारे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कृपा जी सन्यासी थे, और पहले सन्यासी ऐसे जो गाड़ियों में घूमते रहे। क्यों भैया गाड़ियों में क्यों, बाकी तो सब पैदल, तुमने गाड़ी का प्रयोग क्यों किया? कहते गाड़ी होने से मैं 50 स्थान पर जाके हरी कथा कर सकता हूँ, चल के जाऊँगा तो एक जगह पर कथा की, गाड़ी का प्रयोग करूँगा तो 10 जगह पर कथा कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या, हर चीज़ को प्रभु की सेवा में यूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ न वंदनीय होती है न निंदनीय होती है, उसका सदउपयोग और दुरुपयोग उसको वंदनीय या निंदनीय बनाता है। अगर हर चीज़ का सदुपयोग करोगे वो वंदनीय है, अगर दुरुपयोग करोगे तो वह निंदनीय हो जाती है। तो कोई चीज़ ये मत बोलो कि वो बेकार, हमको नहीं चाहिए। हर चीज़ को ग्रहण करिए और उसका सदउपयोग करिए। धन भी का प्रयोग सही जगह पे करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, और दुरुपयोग करेंगे तो वो निंदनीय है। तो आपको किसने का दुरुपयोग करने के लिए? तो संसार में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग उसको अच्छा बुरा बनाता है। तो हर चीज़ को हमको भगवान की सेवा में लगानी है। अगर भगवान कृपा से घर मिला है, घर का दुरुपयोग हो सकता है गलत काम के लिए भी, और पैसे कमाने का साधन भी हो सकता है, और वही घर को आप भगवान की सेवा में ला के हरि कथा हरि नाम करवा सकते हो, वो सदुपयोग हो गया। तो चीज़ अपने आप ही अच्छी बुरी नहीं, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग अच्छा बुरा बनाता है। मुकुंद दत्त एंड वासुदेव द एक्चुअली न्यू हाउ एग्जॉल्टेड पुंडरिक विद्यानिधि वास। मुकुंद दत्त और वासुदेव जानते थे कि कितने श्रेष्ठ है, कौन है पुंडरिक विद्यानिधि, क्योंकि शुद्ध भक्त को पहचाना बहुत कठिन है। भगवान की कृपा से ही शुद्ध भक्त मिलते हैं, और उनकी कृपा से हम उनको पहचान पाते हैं, और भक्त की कृपा से हम भगवान के को समझ सकते हैं। बगैर भक्त की कृपा के जीव अपने आप को भगवान को नहीं समझ सकता। केवल ग्रंथ पढ़ के उसको चीज़ समझ में नहीं आती जब तक उसको कोई समझाने वाला ना हो सही अर्थों में, नहीं तो जीव अपनी मलिन बुद्धि से गलत अर्थ ही लेता है।
they understood that although Pundarik resembled a gross materialist, internally he was an advanced bhakta. तो कहते दिखते बहिरंग दृष्टि से बहुत भौतिकवादी है, बहुत उनका ऐश्वर्य है, लेकिन अंदर से बहुत उस कोटि के संत है ये. अंडरस्टैंडिंग गदाधर पंडित माइंड, मुकुंद रिसाइटेड अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. गदाधर पंडित के मन की बात जांच के मुकुंद दत्त ने भागवत का श्लोक का उच्चारण किया. As soon as Pundarik heard the verse, he began to cry in ecstasy. Indeed, he became just like a madman, kicking so wildly that his external princely appearance became disheveled. Finally, he fell unconscious to the floor. तो कहते हैं जैसे ही उन्होंने भागवत के दशम स्कंद के श्लोक का उच्चारण का जो कृष्ण लीला है उनकी क्या गति स्थिति हुई, उन्होंने भाव विभोर हो गए, रोना शुरू कर दिया और बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करते, लात मारते हैं और इनका जो जो वेश था पूरा खराब हो गया उसके के कारण और बाद में मूर्छित होकर गिर गए. श्लोक चैतन्य चैतामृत पर लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हो उसमें भागवत का श्लोक है दशम स्कंद का. देखो उन्होंने सुना, एक श्लोक सुन के वो प्रेम में मूर्छित हो गए. हमने पूरी भागवत 10 बार पढ़ेगी हमें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि उनका अंतकरण शुद्ध है, हमारा अंतकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ. ये बात हमको समझ. जितना भजन करते 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 जैसे जैसे आपकी अंतकरण की शुद्धि होगी, वो जो लक्षण महापुरुषों में दिखते हैं आपके अंदर वो दिखाई देने शुरू होंगे. उतनी मात्रा में कथा आपके हृदय में प्रवेश करेगी और आप पे कृपा करेगी. कहते हैं भगवान का एक नाम जीव को तारने में समर्थ है, तो फिर उसको बार बार नाम जप क्यों करना चाहिए. कहते हैं अगर एक नाम तारने में से बिल्कुल सही है, इंसान इतने पाप नहीं कर सकता जितना वो एक नाम उसका नष्ट कर सकता है, लेकिन ये उस स्थिति के लिए जब आपका लास्ट श्वास श्वास चल रहा हो और आपके मुख से हरिनाम निकला तो गारंटी आप तरोगे ही तरोगे. लेकिन हम लोग के लिए क्या है, हमने नाम जप किया पाप खत्म हो गए, लेकिन फिर हम नए कर्म तो करें, पाप और पुण्य तो करते जा रहे, निरंतर पाप और पुण्य तो हो रहे, कोई ना कोई अच्छे कर्म भी हो रहे और बुरे कर्म, और दोनों ही तो बंधन कारक है. दोनों कर्मों को निरंतर नष्ट करने के लिए हमको निरंतर नाम करना पड़ेगा. तो किसके बाद आप गए, चले तो कीड़े मार दिए, कि गुस्से बात की, किसी की सेवा कर दी, उस अहंकार मैंने सेवा के पुण्य हो गया, क्योंकि अपने आप को कर्ता मान के करो तो वो दोनों ही बंधन कारक है, पुण्य भी बंधन कारक है पाप भी बंधन कारक है. तो उस दोनों कर्मों को नष्ट करने के लिए निरंतर नाम जप की आवश्यकता है, तभी जाके आपके पाप और पुण्य नष्ट हो सकते, अन्यथा नष्ट नहीं होंगे. समझाई ना, इसलिए हमको निरंतर करना चाहिए, क्योंकि नए कर्म जब बनते जा रहे हैं हर क्षण बन ही रहे हैं, तो हर क्षण को उन कर्मों को नष्ट कौन करेगा, नाम ही तो करेगा. तो निरंतर नाम जब करोगे तो आपके कर्म बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जो बंदे वो तुरंत नष्ट हो रहे हैं. तभी तो आप मुक्ति के अधिकारी हो गए, तभी तो अंत समय में अभ्यास होने से मुख से हरिनाम निकलेगा, तभी तो आप तरोगे. नहीं तो कैसे तरोगे, अभ्यास ही नहीं तो अंत समय में नहीं निकल सकता. लोग तो इस टाइम का भी दुरुपयोग करते हैं, भी एक नाम पर्याप्त है, शास्त्रों में लिखा है, कोई इतनी माला करने की जरूरत क्या है. इसका यही समाधान जो मैंने आपको दिया, नए कर्मों को नष्ट करने के लिए जो हम पैदा करें, नहीं तो पहले तो नष्ट होकर नए कर्म का फल भोगना पड़ेगा आपको. इसे कहते हैं ग्रंथ पढ़ने चाहिए, वैष्णव संग करना चाहिए, उसको सही अर्थ पे समझना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं. दूसरा, नाम ही है जो प्रेम प्रदान करता है. भगवान की लीला के दर्शन नाम के माध्यम से ही होते हैं, यानी प्रभु का नाम ही रूप लेके प्रकट होता है. अब प्रभु का रूप दिखाए समझो नाम ने रूप ले लिया, और जब प्रभु नहीं दिखाई देते समझो नाम के अंदर समाये हुए हैं. इससे कहते हैं नाम अनामी अभिन्न है, नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है, यानी नाम साधन करते करते नाम ही रूप लेके प्रकट होकर साधे के रूप में आएगा. अगर नाम आगे मुख में निरंतर चल रहा है तो समझो कृष्ण आपके वशीभूत है, आपने उनको पकड़ लिया. अगर नाम छूट गया तो फिर भगवान भी समझो छूट गया, आपके जीवन से चले गए.
Gadadhar Pandit thus directly witnessed the symptoms of ecstatic love in Pundit Vidyanidhi's body. Gadadhar Pandit ने देखा कि जो लक्षण है, जो भाव के प्रेम के लक्षण उनके शरीर में दिखाई दिए, जो भाव विभोर जैसे हो रहे थे, मूर्छित हो गए और कपड़े फाड़े वगैरह, बर्तन इधर पटक दिए, उन्हें होश ही नहीं था, वो इतने मतवाले हो गए थे। ये उच्च कोटि की अवस्था आम आदमी नहीं समझ सकता। ये प्रेम की चरम सीमा है और ये भगवान की कृपा से, और भजन तो करना ही करना है, और कृपा से मनुष्य उस अवस्था में पहुंचता है। एंड इज डाउट्स वर इमीडिएटली रिमूव, और उनके सारे शंका निवारण हो गए। मैं से अपराध हो गया कि मैंने इसको भौतिकवादी समझा, विषय इंसान समझा, मैं तो उच्च कोटि के संत हैं। ही देन टोल्ड मुकुंद दैट द सेंस ही हैड कमिटेड एन ऑफेंस एट पुंडिक विद देयर डॉटर्स फी ही मस्ट एक्सेप्ट इनिशिएशन फ्रॉम हिम। तो मुकुंद दत्त ने कहा कि क्योंकि आपने इसके प्रति अपराध किया, इनके विषय में गलत सोच के, तब उसके एक ही प्रायश्चिता की आप इनको गुरु बना लो, इनसे दीक्षा ले लो, तब क्या होएगा कि शिष्य के रूप में आपके अपराध क्षमा हो जाएंगे। इसलिए कहना आपको नहीं को समझ आता चुप रहिए, या किसी से पूछे जो श्रेष्ठ वास्तव है। अपनी बुद्धि मत चलाइए, किसी के बारे में भी जज मत करो, किसी के बारे में भी आपको निर्णय करने का अधिकार नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हम देखते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि हमने अपनी आंखों से हमारे चंडीगढ़ मठ में देखते थे कि कोई ब्रह्मचारी है, दिन भर या सोते या खाते हैं और कुछ करते नहीं, लेकिन जैसे ही सब लोग रात को सो जाते वो टेरेस पर चढ़ जाते थे, 10 बजे से लेकर सुबह मंगल आरती तक चल के हरिनाम करते थे, 1 लाख 2 लाख कितना करते हैं मुझे पता है, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक बगैर सोए हरिनाम करते थे। और मंगला आरती अटेंड करने के बाद नहाना धोना, थोड़ा काम करना, फिर सो जाना, या बातें का ऐसे। तो हमको क्या दिखता है, हम रात को सो जाते हैं कि वो तो सात दिन सोते हैं, खाते हैं या गप्पे मारते हैं, लेकिन जब तुम सोते तुम्हें पता वो जब करते हैं, तो तुम किसी के बारे में कैसे निर्णय कर सकते हो। यानी जरूरी नहीं कि जो हम देखते हैं वही सही होगा, वो गलत भी हो सकता है। आप वैष्णव को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, और हम लोग कई बार क्या होता है, हम गलत बोल बैठते हैं या गलत सोचने का और अपराध कर बैठते हैं। तो तुम चुप रहिए, आपके भजन देखिए, तुम्हें नहीं समझ तो चुप रहो, अपना भजन करो बस। When Pundit Vidyanidhi regained external consciousness, Mukunda and Gadadhar Pandit fell at his lotus feet to offer their obeisances. जब पंडित विद्यानिधि को भारी चेतना हुई, मुकुंद और गदाधर पंडित उनके चरण कमलों में गिरे उन्हें प्रणाम करने के लिए। पंडित विद्यानिधि picked them up and embraced them. पंडित विद्यानिधि उन्हें अपने गले से लगाते हैं। At that time, Mukunda told Pundit Vidyanidhi about Gadadhar Pandit's intention to become his disciple. उस समय मुकुंद ने पंडित विद्यानिधि से गदाधर पंडित के विषय में क्या उसकी इच्छा आपका शिष्य बनने की, आप इसे गुरु रूपे, आप उसको शिष्य रूपे स्वीकार कीजिए। पंडित विद्यानिधि हैप्पीली कंसेंटेड टू द इनिशिएशन। सो ऑन एन ऑस्पिशियस डे गदाधर पंडित टू इनिशिएशन फ्रॉम हिम। पंडित विद्यानिधि ने यह प्रस्ताव को स्वीकार किया और शुभ दिन पे क्या हुआ, उन्होंने उन्हें दीक्षा दे दी। श्री गदाधर पंडित वर द क्वीन ऑफ ब्रज हिमसेल्फ। गदाधर पंडित कौन है, ब्रज की स्वामिनी है, कौन है, राधा रानी है। And was always eager to serve Sri Krishna Chaitanya, knowing well his internal mood. और उनकी हमेशा इच्छा रहती थी मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं। मैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, महाप्रभु की वो जानते हैं, ये मेरे स्वामी हैं, राधा रानी जानती हैं, एक राधा रानी तो गदाधर पंडित बने, वो जानते हैं कृष्ण कौन है, महाप्रभु उनकी इच्छा उनकी सेवा करूं। गद अच्छा नोइंग वेरी इंटरमोड गदाधर वश्य अलॉट गोपीनाथ
प्लीज श्री चैतन्य महाप्रभु इमिजिएटली। गदाधर पंडित जिस तरीके से उन्होंने गोपीनाथ जी की जो टोटा गोपीनाथ है उसकी वह पूजा की, उससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और ये डस प्लीज लिसन केयरफुली, पाठ को ध्यान से सुनिए। वन डे एज गदाधर पंडित वॉज मेकिंग अ कॉपी ऑफ भगवद गीता, लॉर्ड चैतन्य आज ओ पंडित व्हाट आर यू राइटिंग। एक दिन गदाधर पंडित पहले कहते छपाई खाने तो नहीं थे, हाथ से लिखा जाता रहा, भगवद गीता का एक लेखन कर रहे थे ग्रंथ का। तो महाप्रभु ने पूछा पंडित आप क्या लिख रहे हो? उन्हें कहा आई एम राइटिंग भगवान भगवद गीता लिख रहा हूँ। द लॉर्ड पॉसिबली टू गदाधर पंडित पेन एंड पेपर, रोट अ श्लोक एंड देन रिटर्न देम। महाप्रभु ने बलपूर्वक गदाधर पंडित से पेन लिया और कागज़ लिया और उस पर एक श्लोक लिखा और फिर घर चले गए। When गदाधर पंडित saw the verse, he became jubilant and offered prayers to the Lord। महाप्रभु जब गदाधर पंडित ने उस श्लोक को पढ़ा वो बड़े आनंदित हुए और भगवान की पूजा करने लगे। लॉर्ड चैतन्य अम्बरेस गदाधर पंडित हु देन कम्प्लीटेड हिज वर्क ऑन भगवद गीता। महाप्रभु ने गदाधर पंडित का आलिंगन किया और उन्हें तुरंत ही भगवद गीता पूरी की। गदाधर पंडित हैड एन एल्डर ब्रदर ने वनीनाथ हु वॉज ऑल्सो नोन एज जगन्नाथ। गदाधर पंडित के बड़े भाई का नाम था वनीनाथ और उन्हें लोग जगन्नाथ भी कहकर संबोधित करते थे। ही वॉज ऑलवेज इन श्री चैतन्य महाप्रभु लोटस फीट, ही ऑल वर्शिप, यानी वो हमेशा महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते थे। एंड द लॉर्ड वॉज ए लाइफ एंड सोल, और भगवानी उनके प्राण और आत्मा थे। वनीनाथ सन वॉज नयनानंद मिश्रा। वनीनाथ के पुत्र कौन थे? नयनानंद मिश्रा। वो पोजेस ऑल गुड क्वालिटी, जिनके अंदर सारे सदगुण विराजमान थे। ही वॉज इनिशिएटेड एंड लेटर एम्पावर्ड बाई गदाधर पंडित। उनका भी दीक्षा हुई और गदाधर पंडित ने उनमें अपनी कृपा शक्ति का संचार किया। जो कोई इंसान के हाथ से बड़े बड़े काम होते हैं उसमें मनुष्य की अपनी कोई विशेषता नहीं होती, वो प्रभु की कृपा शक्ति का संचार होता है, तभी उसे बड़े बड़े काम करने में सफलता आती है। इससे जब उसकी प्रशंसा होती है उसको ये बात समझनी चाहिए ये प्रशंसा मेरी नहीं है, मेरे प्रभु की है, क्योंकि मुझे जो सफलता मिली है मेरे प्रभु के कारण। मेरे प्रभु का स्वभाव है अपने भक्तों को मान सम्मान और उनके यश को फैलाना, उनका स्वभाव। लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, वो उसको अपनी प्रशंसा मानूंगा। मैं भगवान को अर्पण करता, प्रभु मैं तेरा प्रतिनिधि बनकर हार ले रहा हूँ या यश ले रहा हूँ, मैं तुझे अर्पण करो, वो वास्तव में तेरा यश है, तेरी ही प्रशंसा मेरी नहीं है, मैं क्यों श्रेय लूँ? उस पर विनम्रता बनी रहती है। अगर जहाँ पे उसे अपनी विशेषता मानी मैं कितना मानो, वहाँ पे अभिमान आ जाता है और अभिमान से कृपा हट जाती है और उसका पतन हो जाता है। क्योंकि प्रभु का स्वभाव है अपने भक्त के अंदर कभी भी अभिमान नहीं रहने देते, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसिक हो, चाहे तामसिक अभिमान हो, अभिमान अभिमान ही होता है और अभिमानी इंसान का हमेशा पतन ही होता है। क्योंकि अभिमान इंसान के अंदर प्रदर्शन के भाव होते हैं, लोगों को पता चले मैं ये किया, मेरी जय जयकार हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरे अलावा किसी और की ना हो, किसी और की होती है तो मुझे ईर्ष्या होती है, मैं निंदा करनी शुरू कर देता हूँ। मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, मेरे अलावा किसी और को सम्मान नहीं, मेरे किसी और को मिलता है तो मुझसे बर्दाश्त में फिर ईर्ष्या होती मैं उसके। ये सारे अहंकारी इंसान के लक्षण हैं जो ही होते हैं। तो जिनके अंदर इस प्रकार के भाव गुण हैं तो समझो वह अहंकारी ही है, तभी उसके अंदर ये सारे गुण विराजमान है। इसलिए उसको अपने आप को सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, ये मेरी कमियां हैं, मेरे में इतने अवगुण हैं और मुझे अपने आप को सुधारना है, समझे ना। हम यहाँ पे पर दोष दर्शन करने नहीं आए हैं, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करें क्या सोच रहे हैं, हम भगवान का भजन करने आए हैं, हम प्रेम में डूबने आए हैं और हमारा जो केंद्र होना चाहिए भगवान की भक्ति होना चाहिए, ना कि देखना कि लोग क्या करें क्या नहीं करें और निंदा करना, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। जस्ट बिफोर यू डिसअपियर गदाधर पंडित कॉल नयनानंद एंड सेड। तो अंतर्धान होने के पहले गदाधर पंडित जब धरातल से अंतर्धान हुए तो नयनानंद को बुलाते कहते हैं आई हैव अ ड्यूटी ऑफ कृष्णा दैट आई ऑलवेज कीप हैंगिंग अराउंड माई नेक। मेरे पास कृष्णा के विग्रह हैं जो आपके गले से लगा के रखता हूँ,
फ्रॉम नाउ ऑन यू शुड वर्शिप हिम विद ग्रेट केयर. अब तुमको उनकी पूजा के बड़े ध्यान से. ऑल्सो टेक केयर ऑफ गोपीनाथ ड्यूटी, गोपीनाथ ड्यूटी वगैरह का भी आप ध्यान रखना. नाउ टेक दिस भगवद गीता एंड वर्शिप इट विद डिवोशन. आप भगवद गीता को लिए जो मैं लिखी है और इसकी उपासना करिए. इसकी उपासना कैसे करोगे? यानी ग्रंथ का पाठ करना ही ग्रंथ की सेवा है. ग्रंथ घर में रखना, लाल कपड़े में अगरबत्ती करना, वो ग्रंथ की सेवा है. ग्रंथ का पाठ करना ग्रंथ की सेवा है. माला करना माला की सेवा है. नाम सेवा का नाम जपना नाम की सेवा है. ये नहीं कि माला संभाल के पूजा के ऊपर रख दी जहाँ पे ठाकुर जी है, वो सेवा नहीं है. माला जपोगे वही नाम की सेवा है. कथा सेवा क्या? कथा सुनना कथा की सेवा है. ग्रंथ पढ़ना ग्रंथ की सेवा है. ये सब सेवा के अंतर्गत आते हैं. भाई यानी कि हमें रख दिया और अगरबत्ती घुमा दी प्रणाम किया, वो सेवा नहीं होती. क्योंकि जब इनकी सेवा करोगे तो ये प्रकाशित होंगे. अगर सेवा नहीं करोगे ना ग्रंथ प्रकाशित होएगा, ना माला प्रकाशित होगी, ना नाम प्रकाशित होगा. क्योंकि माला तुलसी की है और तुलसी जड़ चीज नहीं, ये चिन्मय है, दिव्य है. तो तुलसी की कृपा प्रकाशित होती है. लॉर्ड चैतन्य रोट अ श्लोक इन इट. महाप्रभु ने वो श्लोक उसमें लिखा था. आफ्टर सेइंग द गदर पंडित लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ये कह के गदर पंडित इस धरातल को छोड़ के चले गए. नयनानंद परफॉर्म दी नेसेसरी रिचुअल्स फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर डिपार्चर एंड मूव टू भरतपुर. तो नयनानंद ने अपने जो कर्म थे वो किए आपके गुरु के अंतर्धान होने पे जो कर्म करने थे, और फिर वो भरतपुर चले गए. डिजाइन टू सर्व द लोटस फीट ऑफ जानवा एंड वीर चंद्र आई नितिन दास नरेट विमलास. कहते हैं मैं जानवा माता वीर चंद्र के चरण कमलों की सेवा करना मैं नित्यान दास प्रेम विलास का वंदन करता हूँ. अब हम पढ़ेंगे भगवान के नित्य संगी जो हैं उनके स्वभाव को लेकर, उनके चरित्र को लेकर हम पढ़ेंगे. ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण चैतन्य, ऑल ग्लोरीज टू श्री नित्यानंद प्रभु. कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु के जय जयकार हो. ऑल ग्लोरीज टू श्री अद्वैत चंद्र एंड ऑल ग्लोरीज टू द डिवोटी और चैतन्य महाप्रभु. अद्वैत चंद्र और चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार हो. ओ रीडर्स लिसन केयरफुली एज आई नॉट डिस्क्राइब द पास्टम ऑफ ईश्वरपुरी एंड केशव भारती. पाठ को ध्यान से सुनिए. अब मैं वर्णन करने चला हूँ ईश्वरपुरी की और केशव भारती की लीलाओं को. देर वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम कुमार हट इन राधा देश नेम श्याम सुंदर हु पोजेस ऑल गुड क्वालिटीज. एक ब्राह्मण था कुमारहट में और जो राधा देश में है. कुमारहट के जो ब्राह्मण थे राधा देश में, वो आता राधा देश किसे कहते हैं, जो नित्यानंद एक चक्र वाला वो इलाका है ना, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का प्रकट स्थान है, उसको राधा देश बोलते हैं. वहाँ के हैं, उस इलाके को बोलते हैं. तो नेम वॉज, उसका नाम था श्याम सुंदर और वो सद्गुणों का भंडार था. इस सन नेम वॉज ईश्वरपुरी, उनके पुत्र का नाम था ईश्वरपुरी. ईश्वरपुरी वॉज सो वॉज एज नॉलेजेबल एज बृहस्पति बींग वेल कन्वर्सिंग विद ऑल वैदिक लिटरेचर. ईश्वरपुरी के अंदर उतनी ही ज्ञान था जो बृहस्पति के अंदर होएगा, और वो वैदिक ग्रंथों को लेके भी उन्हें सारा ज्ञान था कि क्या लिखा हुआ है. ईश्वरपुरी लेफ्ट होम एट एन अर्ली एज एंड टुक संन्यास फ्रॉम श्री माधेन्द्रपुरी. ईश्वरपुरी ने कम उम्र में घर त्याग करके माधेन्द्रपुरी से संन्यास की दीक्षा ली. ही वॉज डिवोटेड टू स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑलवेज सर्व हिम विद ग्रेट फेथ एंड डिवोशन. वो आपके गुरु के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी और वो हमेशा सेवा करते थे बड़े भाव और भक्ति के द्वारा. देवा ऑल्सो अ पायस ब्राह्मण नेम कालिदास. एक ब्राह्मण था जो पुण्यशाली था, उसका नाम था कालिदास आचार्य. लिविंग एट कुलिया, और वो कुलिया के रहने वाला था कालिदास आचार्य. ही ऑल्सो टुक संन्यास फ्रॉम माधेन्द्रपुरी एंड वॉज गिवन हिज नेम केशव भारती. तो उन्होंने भी माधेन्द्रपुरी से संन्यास लिया और उनका नाम पड़ेगा केशव भारती. केशव भारती एंड ईश्वरपुरी व गुड फ्रेंड्स. केशव भारती और ईश्वरपुरी जो थे वो अच्छे मित्र थे. लेटर
Keshav Bharati became the Lord Sanyas Guru and Isharpuri gave the Lord initiation. आगे चाहे यही जो केशव भारती है इन्हीं से प्रभु ने संन्यास लिया था और ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी, हरिनाम उन्हीं से प्राप्त हुआ था। ईश्वरपुर जब वो जाते ना बंगाल की तरफ यात्रा में तो वहाँ पे पूरे बंगाल में तब जाके उन्होंने ये उनकी दीक्षा हुई थी। आप ये महाप्रभु के क्षेत्र में पढ़ सकते हो, बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। द लिव्ड अ लर्नड मैन इन श्रीहट although he later moved to Navdeep named Jaladhar Pandit. एक और विद्वान वहाँ पे भक्त थे उन श्रीहट में रहने वाले और आगे चल के वो नवदीप में आए, उनका नाम था जलाधर पंडित। जलाधर हैड फाइव ग्लोरियस सन, जलाधर के पांच पुत्र थे और प्रभावशाली थे। द एल्डेस्ट अमंग देम वाज नलिन पंडित और सबसे बड़े पुत्र का नाम था नलिन पंडित। नलिन हैड अ डॉटर नेम रायनी हु बिकेम द मदर ऑफ वृंदावन दास ठाकुर। नलिन की एक कन्या थी उसका नाम था नारायणी और उन्हें सौभाग्य मिला वृंदावन दास ठाकुर की माता कहने का। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? जिन्होंने चैतन्य भागवत है प्रभु की जो बाल लीला का वर्णन किया है वो है वृंदावन। और चैतन्य भागवत ग्रंथ मैं यहाँ पर पढ़ चुका हूँ, आप सबने सुना भी है और आप यूट्यूब में सुन सकते हो जिन्होंने नहीं सुना। नलिन फोर ब्रदर्स वर नेम श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति, श्रीकांत हु वाज आल्सो नोन एज श्रीनिधि। तो उनके चार भाई थे, उनका नाम था श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीकांत जिन्हें आगे चलकर श्रीनिधि भी कहते हैं। ऑल ऑफ दिस ब्रदर्स वर ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्ण। ये सारे जो भाई हैं कृष्ण जी के परम भक्त थे। दे हैड रेजिडेंस एट कुमारहट एंड नवदीप। उनका जो निवास स्थान था वो कुमारहट भी था और नवदीप भी था। बट यूजली स्टेड इन नवदीप, लेकिन वो नवदीप में ही रहते थे। दे वर स्पेशली फेवर्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु व्हेन ही बेस्टोड मर्सी ऑन ऑल द डिवोटी ड्यूरिंग द महाप्रकाश पास टाइम। तो इन सब पे चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हुई जब महाप्रकाश पे जो लीला वहाँ ने प्रकट की थी जिसे सप्त प्रहरिया भाव कहते हैं। इन्होंने विराट रूप के दर्शन कराए 21 घंटे तक और सब प्रहरिया भाव रहा, उसका भी चैतन्य चेतावली में बड़े विस्तार से वर्णन उसका आता है और वो सब मैं पहले पढ़ के समझा चुका हूँ और जिन्हें नहीं पढ़ा तो वो ग्रंथ पे पढ़ सकते हैं। सब प्रहरिया भाव क्या है, किस प्रकार उनको भगवान ने महाप्रभु ने कृपा दिखाई और दर्शन दिए। I will not go into detail of this past time because Vrindavan Das Thakur already elaborately described it. कहते हैं मैं इसके विस्तार में, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। Something extraordinary happened during the महाप्रकाश past time. एक अलौकिक चीज होती है महाप्रकाश के समय में। However, that I would like to mention, जो उन्होंने वर्णन नहीं किया वो मैं वर्णन करके बताऊंगा। After the Lord's अभिषेक ceremony, all the devotees worship according to their capacity. भगवान महाप्रभु का अभिषेक होने के बाद सारे भक्तों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की उपासना की। At that time, Lord Chaitanya was completely absorbed in transcendental ecstasy. उस समय महाप्रभु जो थे वो भाव में डूबे हुए थे। He did not regain external consciousness for two full days. उन्हें भारी चेतना नहीं हुई और मूर्छित अवस्था में दो दिन तक रहे। द डिवोटीज हेडेड बाई अद्वैत प्रभु वर फ्राइटेंड एंड ऑफर देयर ऑब्लिगेशंस टू लॉर्ड अगेन एंड अगेन। जो भक्त जो थे अद्वैत प्रभु के नेत्र में घबरा गए और वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं। फाइनली फीलिंग कंपैशन फॉर हिज डिवोटीज द लॉर्ड रिगेन एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। जब भगवान को अपने भक्तों पर दया आई कि घबरा रहे हैं हम एक भारी चेतना नहीं हो रही, तब भगवान अपनी भारी चेतना में आए।
and place a lotus feet upon their aapke charan kamal un sab ke sir pe rakhe. The devotee then joyfully began to perform sisa bhakton ne sankirtan karna shuru kiya. Jis charan kamalon ko shiv ji aur brahma ji tarste hain, udhav ji tarste hain, unhi charan kamalon ko mahaprabhu ki udarta dekho, sabhi bhakton ke sir pe apne aap rakh diya, un pe kripa ki. जिनको प्राप्त करना अति दुर्लभ है वही चरण कमल आम इंसान को मिल रहे हैं, उनको प्राप्त हो रहे हैं, चाहे भक्तों चाहे जो भी मिलते संसार में, कितना सुलभ कर दिया. यही तो मत्स्य महाप्रभु का है, नमो महावदानय कृष्ण प्रेम पर. ये बड़े उदार है और कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं. उन्होंने योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करना, जो कोई उनके पास आता है उनको वो जबरदस्ती कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं. इसलिए महाप्रभु का जो आश्रय लेता है और उनकी उपासना करता है वो 100% ब्रज का वास से मिलता है और वो ब्रज के भाव उसको मिल जाते हैं. ब्रज वास और ब्रज भाव दोनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि महाप्रभु सबको भेजते हैं. महाप्रभु के कृपा बगैर कोई भी प्रेम. इस सब देखोगे हमारे गौड़ीय मठों के मंदिरों में कैसे होता है, महाप्रभु का एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे होता है. क्यों होता है? कि वो सबको बुला रहे, मेरे पास आओ, मेरे माध्यम से राधा कृष्ण को प्राप्त करोगे. जिससे एक हाथ इस तरफ होता है, एक हाथ ऐसा होता है. सबको निमंत्रण करें और कहते हैं जिसको राधा कृष्ण प्राप्त करने मेरे माध्यम से जाओ तो मिलेंगे. अपना राधा कृष्ण की डायरेक्ट उपासना करोगे तो वो तो विचार करेंगे योग्यता अयोग्यता का. योग्य बनोगे तो आपको प्रवेश मिलेगा, अयोग्य को हम नहीं देंगे. अयोग्य तो हम लोग कभी बन नहीं सकते, हमें कभी भी ब्रिजवास नहीं मिल सकता. लेकिन महाप्रभु का आश्रय लेने से उन्होंने योग्यता योग्यता विचार नहीं करना और योग्य को भी वो अपनी कृपा देके योग्य बनाकर उसको भेज देते ब्रज में. यह महाप्रभु की विशेषता है. जो महाप्रभु दे गए या कर गए त्रिलोकी में कोई अवतार ऐसा नहीं किया और ना ही कभी करेगा. ये उदारता केवल महाप्रभु में दिखाई देती है, चैत्र महाप्रभु के अंदर. वो आपको 100% भेजेंगे भेजेंगे ब्रज में. और उस रस, क्योंकि उधर मधुरता है, उस मधुर रस का आस्वादन महाप्रभु करवाते हैं, आप नहीं कर सकते. During the कीर्तन द लॉर्ड टोल्ड अद्वैत प्रभु, कीर्तन के समय भगवान अद्वैत प्रभु से क्या बोलते हैं, यू ब्रॉट मी टू दिस वर्ल्ड फ्रॉम गोलोक. आप मुझे गोलोक से लेके आयो, गोलोक में तो कृष्ण ही वास करते राधा से, तो आप ही लेके आओ. और क्योंकि अद्वैत चार्य से महाविष्णु के अवतार है, उन्होंने क्या देखा, जो लक्षण कलयुग में बहुत समय बाद दिखाई देने चाहिए वो प्रथम चरण में ही दिखाई दे रहे हैं. प्रथम चरण में दिखाई दे रहे हैं तो आगे तो बहुत दुर्दशा होगी. तो लोग तो केवल बलि चढ़ा रहे हैं, मांस खा रहे हैं और भोगों में पड़े हैं, उनको भक्ति पता ही नहीं. और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की से उन्हें पता, कोई भी गोविंद का नाम नहीं लेता. और सभी लोग माता काली की उपासना करके बलि चढ़ाते हैं और ये करें आपकी जीव की वास्ता पूरी करे हैं. तो कहते हैं ये सब लोग नर्क में जाएंगे, क्योंकि भागवत के पंचम स्कंद के अलास अध्याय में जहाँ पे नरकों का वर्णन आता है वहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, जो मनुष्य बलि चढ़ाता है मरने का, उस नर्क का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भागवत में लिखा है, उस नर्क की प्राप्ति होती. उस नर्क में आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे क्योंकि आपके बलि के, लेकिन आपको मृत्यु नहीं होगी क्योंकि यात्रा शरीर है. हमारे शरीर थोड़े भी क्रैक हो जाता है, कितनी पीड़ा होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत दर्द होती है, बर्दाश्त नहीं होता हड्डी को ठीक करने के लिए. और आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और आपको मृत्यु भी नहीं होगी, तो कितने लंबे समय होगी सहनी पड़ेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भयानक यात्रा भोगनी पड़ती है. तो लोग भले कह के ये प्रसाद हम बलि चढ़ाते हैं, ये गलत है, ये अधर्म है. कोई भी माँ अपने संतान की बलि नहीं चाहती, ये अज्ञानता और मूर्खता वश कही गई है. कोई शास्त्र इसका समर्थन नहीं करता. किन ऋषियों ने अगर किसी की बलि की भी थी तो उसका उद्देश्य क्या था? अगर किसी को बलि चाहे घोड़े की, उसके बाद सीधा उसे देव योनि भेज देते, स्वर्ग में भेज देते थे. यानी उसको अन्य शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, उसका उद्धार कर सकते थे. प्रभु के हाथ जो मारे जाते, चाहे राक्षस हो चाहे चाहे पशु, उनको सब मुक्त हो जाते थे. मुक्त की
हम और आप किसी का मुक्त नहीं कर सकते, हमारे पास ये क्षमता नहीं हम सीधा घोड़े की योनि से स्वर्ग लोग उसको बेच सके। जो स्वर्ग बड़े पुण्य से जाया जाता है, हमारा उद्देश्य भगवान को पास स्वर्ग लोक नहीं, लेकिन तुम्हें स्वर्ग तो मिल सकते, इतनी ऊंची स्थान तो मिल रहा कम से कम। तो हम लोग नहीं, क्योंकि घोड़े के बाद और दूसरा कितने शरीर लेने पड़ेंगे, फिर मनुष्य शरीर से अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर भक्ति करोगे तो मुक्त हो जाओगे, वो पता नहीं कि जीव करेगा नहीं करेगा। कम से कम अगर मैंने बलि चढ़ाई, उनके मंत्रों में इतनी पावर थी कि वो उसे सीधा स्वर्ग लोक भेज सकते थे। तो कलयुग में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, किसी में इतनी क्षमता नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें बैंड की गई हैं, ये नहीं हमको करना है। और कई बार वो जिनको मारते उनको पुनः जीवित भी कर सकते थे। कलयुग में हम किसी को जीवित नहीं कर किसी को, क्योंकि इतनी तपस्या है ही नहीं हमारे अंदर, ऐसे भाव नहीं है, इसलिए ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। समझाई बात? अगर किसी महापुरुष से कुछ किया है तो उन्होंने आगे क्या कि ये भी देखो, उसे सीधा ऊपर के लोकों में ले देकर गया, अन्य शरीर में नहीं उन्हें पटकने दिया। हाँ हमारा आप नहीं कर सकते वो सब काम, इसलिए हमको वो काम नहीं करने जो हम नहीं कर सकते हैं, उनकी नकल मत करो। और वैसे भी कोई भी शास्त्र में बलि निषेध बाधा गया, और भागवत को सबसे ऊंचा ग्रंथ माना गया है, जिसके बाद उन्होंने लिखना बंद कर, कृति बंद कर दी वेदों व्यास ने, क्योंकि कहता और कुछ लिखना बाकी नहीं, वो उनका अंतिम ग्रंथ उस पर बहुत स्पष्ट लिखा गया, जो लोग बड़ी चाहते उनको दुर्गति और नर्क भोगना पड़ता है। अब कोई मानने की इच्छा नहीं माने तो उसकी मर्जी, तो वो भुगतेगा अपने कर्मों से, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो समझा सकते हैं केवल। और जहाँ पर बलि चढ़ती उस स्थान का हमें प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जहाँ पे बलि चढ़ती है निषेध है, बिल्कुल नहीं खाना है। और उधर जाना भी नहीं चाहिए जिधर बलि चढ़ती, वो मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्थान अपवित्र होता है जहाँ पे बलि चढ़ती है। कौन से लोग जाते? तामसिक वृत्ति के लोग जो तांत्रिक पूजा करते हैं, प्रेतों की पूजा करते हैं, वो लोग ऐसे जाके वो शक्तियाँ लेते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं, वो लोग ये सब करते हैं। जो सात्विक वृत्ति वाले लोग नहीं करते सब काम, वो भजन करते हैं, वो तो प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है, मांस खाना बलि चढ़ाना तो दूर की बात रही। तो ये अद्वैत प्रभु ने जब देखा, जो लक्षण बहुत बाद में दिखाई दे, प्रथम चरण में दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन लोग भक्ति में आने को तैयार ही नहीं। उन्हें कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं सुदर्शन चक्र का सबका संहार करता हूँ। फिर कहता कि कोई बंदा नहीं रहेगा, पृथ्वी लोग सभी मर जाएंगे। फिर उन्हें कहा भगवान को मैं आह्वान करता हूँ, और कहता प्रभु आप स्वयं आइए और लोगों का उद्धार करिए अपने नाम के द्वारा। लोग इतने पतित हो चुके हैं, आम इंसान की बात वो सुनने वाले नहीं है, केवल आप स्वयं आएंगे, आप स्वयं भगवान हैं, तो आपकी वाणी का प्रभाव होएगा, आप हजारों को भक्त बना के हजारों को तार सकते हैं। उन्होंने शालिग्राम को जो है, अल्पी शालिग्राम अद्वैत भवन में है नवद्वीप पर, जो शालिग्राम आप भी दिखाई देगा जब जाते हैं सेवा आंगन के बगल में, अद्वैत भवन है वो शालिग्राम आज भी है। तो उन्होंने गंगा जल और तुलसी से उसकी प्रार्थना की शालिग्राम की, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत सामग्री थी, तुलसी दल और जल पर्याप्त है, और भाव चाहिए, भजन किया। उनके प्रेम उनके भाव को देख के भगवान का मजबूर होना पड़ा आने के लिए, स्वयं नंद नंदन कृष्ण ही आए हैं इस धरातल पे चैत्र महाप्रभु बन के, और राधा रानी का भाव लेके आए हैं, और इन्होंने हरिनाम हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया, क्योंकि ये जो महामंत्र है ये गोलोक धाम में राधा रानी जपती है, और उस भाव और प्रेम की अवस्था में रहती जो राधा रानी, वही भाव जो राधा रानी के जो प्रेम उनके अंदर है वो इस मंत्र के अंदर समाया हुआ है। जो इसका सेवन करेगा उस भाव में आएगा आएगा। अब फर्क है कि हम कितना हरिनाम करते हैं अधिक से अधिक, जितना ज़्यादा जप करोगे वो गुण आपके अंदर आएंगे, जितना कम भजन करोगे तो आप उन गुणों से वंचित रहोगे, जीविका चल सकती है लेकिन वो गुण नहीं आएंगे। तो अगर चैत्र महाप्रभु ने कहा है हर मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 64 माला करें, कम से मिनिमम कहा गया 64 माला, उसके ऊपर होए तो बहुत अच्छा है। हमारे आचार्य वर्ग जो थे
120 या 192 माला, 192 माला करते थे, 128 माला को उससे कम नहीं करते थे, अगर हम उस अवस्था में आएंगे तो आपके अंदर विशेष शक्ति का संचार होएगा, आपके ऐसे बड़े बड़े काम होंगे और आप उस प्रेम के अवस्था में बहुत शीघ्र आओगे और इसी जन्म में आप भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। अगर हम भजन उस स्तर तक हम उठा लेते हैं तो कम से कम 64 माला के ऊपर करनी शुरू कर दे तो इसी जन्म में आप तरोगे। ये तो महाप्रभु आश्वासन दे गए। अब कुछ लोग हैं जो 16 माला के ऊपर नहीं करते, किसी को करने देते हैं, ये तो फिर भाई बहुत गलत बात है। हाँ, अगर जो मनुष्य पहली बार आया है और बहुत बहुत अवस्था में है, उस पर मैं 64 का उपदेश करूँगा तो 4 माला से शुरू कर, और 4 भी कर ले तो बड़ी बात है। वो फिर लास्ट में देखो ये तो इंसान से भजन है, इसको रोक टूट के कैसे भी चलो तो 16 कर सुधार मत कर। यानी इंसान के हर आदमी की परिस्थिति और बद अवस्था अलग अलग होती है, उसकी अवस्था के अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है। क्योंकि आपने सुन दिया जिसको मैं उपदेश दे रहा हूँ उसकी बहुत ज़्यादा बद अवस्था है कि तुम 4 माला करो या 16 को ज़्यादा मत करो, क्योंकि उसको जब पता वो भी नहीं करने वाला है, तो आपने सबको बोला कि इन्होंने जी 16 माला करने या 4 माला करने को बोला, हम ज़्यादा क्यों करें। ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम मुझे अब मिलते तो मैं तुमको शायद 32 माला बोलता, और ये मुझे मिलते तो मैं उनको 64 मिलता, वो मिलते तो मैं उनको 128 माला बोलता। तो हर मनुष्य की स्थिति और योग्यता के अनुसार उसको समझाया जाता है। एक ही इंस्ट्रक्शन उपदेश सबके लिए नहीं होते, इंसान की योग्यता के अनुसार, लेकिन धीरे धीरे उसके भजन को उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज आप सब 10 माला करो या 16 करो, आपको उठना ही पड़ेगा, कल आपको 32 तक आना पड़ेगा, फिर 2-4 महीने 32 करो, फिर 48 पे आइए, फिर 64 आइए, फिर 64 मिनिमम रखे, जितना अधिक हो सकता आप करिए, तो आप देखोगे कि बड़े बड़े काम आपके कैसे संवरते हैं। मन प्रारब्ध बदलता है, शनि का ग्रह, मंगल दोष, राहु दोष, कुंडली दोष, सारे दोष एक हरि नाम से समाप्त हो जाते हैं। और इसका मेरे पास बिल्कुल प्रमाण है, नाम के ऊपर किताब है मेरे पास, उस पर बहुत स्पष्ट इस बात का प्रमाण दिया कहाँ पे लिखा हुआ ये बात कि सारे दोष, और होते भी हैं और हमने अनुभव किया इसका लोगों के साथ जाप करा के। लिखे तो है वो अलग बात है, लेकिन हमने अनुभूति की है लोगों से जाप करा के, लोगों जाप जाप के उन्हें स्वयं आके बोला कि जो उनकी खुद की कल्पना के भाव था उनका वो कृपा की अनुभूति हुई है। ज्योतिष शास्त्र फेल हो गया, कुंडली फेल हो जाती है, मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, और जो नहीं भी लिखा वो भी आपको मिलना शुरू होता है। ये हरिनाम की विशेषता है, जो नहीं भी लिखा वो भी। ये कुंडली तो वो बनी थी जब आप पैदा होते पूर्व जन्म के अनुसार, भजन के द्वारा आपके कर्म कट रहे तो कुंडली परिवर्तित हो रही है, और कुछ सालों के बाद जैसे भजन की आपका स्तर बढ़ेगा उतनी मात्रा में आपके और कर्म कटेंगे और भक्ति बढ़ेगी और दोष खत्म हो जाएंगे, कुंडली फेल हो जाती उसके आगे। क्यों? जो नहीं लिखा वो भी, क्योंकि आप प्रभु के अधीन हो चुके हो। लेकिन ये बात को समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा, नाम जप के द्वारा इसको खुद अनुभव करना पड़ेगा कैसे होता है। तो उन्हीं के कहने पे स्वयं महाप्रभु गोलोक धाम से धरातल पे आए हैं, ठीक है। तो दिस अद्वैत आचार्य रिप्लाइड, इस कथा को मैं अगली बार पढ़ता हूँ, क्योंकि आज बलदेव विद्याभूषण जी का और किसका है, गंगा अवतार है, तो उसके विषय में वो कथा करेंगे। तो भूषण वांछा कल्पत्रु भयस्य कृपा सिंधु भय पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।